नमस्कार। आरिफ और सारस की कहानी आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक सारस एक बार घायल हो गया, पैर में उसके चोट लगी थी, तो स्थानीय एक व्यक्ति मोहम्मद आरिफ ने उस सारस का उपचार किया, फिर वो सारस ठीक हो गया, वो उड़ने लगा वापस। लेकिन इस दौरान आरिफ और उस सारस के बीच में एक ऐसी दोस्ती हो गई जो बड़ी भावनात्मक थी। बहुत सारे फिर मीडिया वाले भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आरिफ और सारस की इस कहानी को कवर करना शुरू कर दिया। कुछ राजनेता फिर वहां गए और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वन विभाग ने सारस को आरिफ से जुदा कर दिया। वन विभाग ने सारस को पास में पक्षी विहार भेज दिया और आज लोग बहुत आक्रोशित हैं। लोग वन विभाग को बहुत भला बुरा कह रहे हैं कि आपने आरिफ और सारस को क्यों अलग कर दिया, दोनों ने स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ दोस्ती की थी, एक भावनात्मक पूर्ण रिश्ता बना था, आपने क्यों उनके बीच में दखल दिया। आज इस वीडियो में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वन विभाग का जो निर्णय है वो सही है या गलत है। आज हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आरिफ ने कोई गलती कर दी। हम दोनों पक्षों पर प्रकाश डालेंगे, एक पक्ष है आरिफ का और सारस का, उन दोनों के बीच में जो प्रेम है उसका, दूसरा पक्ष है वन विभाग का। दोनों पक्षों के बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं, फिर समझते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्यों ऐसे फैसले हुए, क्या कारण थे। तो अब पहला जो पक्ष है वो पक्ष है आरिफ और सारस के बीच में उस भावनात्मक रिश्ते का। घायल सारस की मदद करने के बाद आरिफ और उसके बीच में एक प्रेम पूर्वक रिश्ता पैदा हो गया। सारस ठीक हो गया, वो उड़ के अपने पर्यावास में गया, लेकिन वो रोज आरिफ से मिलने आता, काफ़ी समय आरिफ का साथ अपना समय व्यतीत करता, आरिफ के घर आता, एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता उन दोनों अलग अलग प्रजातियों के बीच में डेवलप हो गया। बिल्कुल सभी प्राणियों के अंदर भावनाएं होती हैं और ऐसी भावनाएं जब आपस में मिलती हैं तो वो इस प्रकार के रिश्ते में बदल जाती हैं। ऐसे रिश्ते आप और भी देखते होंगे बहुत सारे लोगों में, और उनके पालतू कुत्तों के बीच में भी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, माँ बेटे जैसा रिश्ता बन जाता है, दोस्तों जैसा रिश्ता बन जाता है। ऐसी एक कहानी एक कुत्ते के बारे में, एक जापानी कुत्ता था, उसका नाम था हैचिको, उस पर एक फिल्म भी बनी है। ऐसी तमाम कहानियाँ हमारे बीच में आती रहती हैं। लेकिन वन विभाग ने सारस को और आरिफ को अलग कर दिया, बिल्कुल आरिफ के ऊपर भी और सारस के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ा है, दोनों बहुत दुखी हैं। अब इससे लोग वन विभाग के ऊपर खफा हैं कि क्यों आपने इस भावनात्मक रिश्ते में दखलंदाजी की। तो आइए पहले पक्ष को समझते हैं। पहला पक्ष है आरिफ और सारस के बीच में दोस्ती का। वहां पर आरिफ और सारस दोनों ने स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ दोस्ती की, दोनों के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बन गया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोनों ने स्वेच्छा से एक दूसरे को चुना, सारस भी अपने प्राकृतिक पर्यावास में रह रहा है, आरिफ ने कोई उसको कैद नहीं किया है, सारस अपनी स्वेच्छा से आरिफ के पास आता है। फिर ये जो दोनों के बीच में एक संबंध है, इसके बीच में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, एक पक्ष ये है। अब दूसरा एक पक्ष है, वो पक्ष है वन्यजीवों वाला। इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब वो स्टॉकहोम सम्मेलन से लौटी तो उन्होंने भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की नींव रखी सन 1972 में। उससे पहले वन्यजीवों को कोई संरक्षण नहीं प्राप्त था, बड़े पैमाने पर लोग वन्यजीवों का शिकार करते थे, बहुत सारे लोग वन्यजीवों को पकड़कर बंधक बनाकर रखते थे, बहुत सारे लोग वन्यजीवों से प्यार भी करते थे, लेकिन वन्यजीवों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जा रहा था, उनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही थी, जैव तंत्र पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा था। उसके बाद 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बना। अधिनियम में ऐसे प्राविधान किए गए कि वो सारे प्राणी जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने पर्यावास में रह रहे हैं, जिनके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, उनको वन्यजीव कहा जाएगा और उनको पकड़ना, मारना, बंधक बनाना, उनके पर्यावास के साथ छेड़छाड़ करना, ये सब कुछ गैरकानूनी माना जाएगा। तब वहां से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की नींव पड़ी, लेकिन वहीं पर वन्यजीवों का के ऊपर जो अपराध हो रहा था वो रुका नहीं। उसके बावजूद वन्यजीवों का शिकार जारी रहा, उसके बावजूद लोग वन्यजीवों को पकड़कर तथा कथित पालते रहे। तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनने के बाद
वन विभाग सरकार और इस कानून ने धीरे धीरे लोगों के ओपिनियन को चेंज किया, धीरे धीरे लोगों को समझाने की कोशिश की कि वन्य जीव जो है वो हमारी संपत्ति नहीं है, वो किसी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, बल्कि वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने पर्यावास में रहने चाहिए। और सरकार ने, कानून ने, विभाग ने इसमें बड़ी उपलब्धि भी हासिल की, लेकिन फिर भी शिकार रुका नहीं, फिर भी पालतू बनाना रुका नहीं, हालांकि धीरे धीरे वो कम होता रहा। तो 1972 में पब्लिक ओपिनियन डिफरेंट था। उस समय अधिकांश लोग ये मानते थे कि वन्य जीव तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम जो चाहें वो करें उनके साथ। लेकिन आज लोग जो हैं वो ये मानते हैं, बहुत सारे लोग, कि वन्य जीवों को हमें पकड़ना नहीं है, उनको मारना नहीं है, उनको जबरन बंधक नहीं बनाना है। अगर कोई ऐसा करता है तो हम आज उसे गलत बोलते हैं। और ये गलत हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस कानून ने, सरकार ने, विभाग ने हमारा ओपिनियन चेंज किया है एक सतत प्रयास करके। और उस प्रयास में बहुत सारे कड़े फैसले लिए हैं विभाग ने, सरकार ने और इस कानून ने। अब आज ये एक प्रकरण है आरिफ का। आरिफ ने उस सारस की मदद की, वहाँ तक सब कुछ ठीक था। सारस अपनी मर्जी से आरिफ से मिलने आता था, वो भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद इसको मीडिया का रंग मिलना शुरू हो गया। ये तमाम टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर दिखाया जाने लगा कि एक सारस और एक इंसान के बीच में गहरी दोस्ती है। लोगों ने इसको देखा और इसका एक गलत संदेश भी जाने लगा समाज में। बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी प्रेरित होने लगे कि काश कोई ऐसा पक्षी हमारा भी दोस्त होता, हम भी ऐसे एक पक्षी को अपना दोस्त बनाएं। और इससे वन्य जीव अपराध बढ़ने की आशंका बढ़ने लगी, क्योंकि जब भाई ऐसे तो कोई पशु पक्षी किसी का दोस्त बनेगा नहीं, लोग क्या करेंगे, ज़बरदस्ती जाएंगे, उसको खरीद कर लेकर आएंगे, घरों में बंधक बनाएंगे, और इससे वन्य जीव अपराध बढ़ता है। ना सिर्फ लोग डिमांड करते हैं वन्य जीवों की, बल्कि तमाम लोग जो वन्य जीवों को पकड़ते हैं, उनकी तस्करी करते हैं, उनको भी एक नया मार्केट मिल जाता है। लोग जब डिमांड करने लगते हैं वन्य जीवों की, तो वो उसको पकड़ कर लोगों को लाकर बेचने लगते हैं, और इस तरीके से वन्य जीव अपराध बढ़ता है। तो आरिफ और सारस के बीच का ये जो प्रकरण है, जब इसको मीडिया का रंग मिलना शुरू हुआ, वहाँ पर पॉलिटिशियंस जाने लगे, तो अब इस प्रकरण में वन विभाग के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर आरिफ और सारस की इस अनूठे रिश्ते से प्रेरित होकर लोगों ने वन्य जीवों की डिमांड बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो वन्य जीव जो पकड़े जाएंगे, जिनको लोग बंधक बनाएंगे, जिनका जीवन जो है नर्क बन जाएगा, जैव तंत्र को नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उसका जिम्मेदार आरिफ होगा? क्या उसका जिम्मेदार वन विभाग होगा? क्या उसका जिम्मेदार मीडिया होगा? और जो भी होगा, जो प्रॉब्लम पैदा होगी वो कैसे ठीक होगी फिर? तो ऐसे में कानून का राज स्थापित करने के लिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को स्थापित करने के लिए विभाग के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी, और विभाग को कड़े निर्णय लेने पड़े। और इसीलिए वन विभाग ने आरिफ से सारस को अलग किया, उसको जब्त किया और उसको समस्तपुर पक्षी विहार में भेजा। सोचिए, अभी इसी दौरान शायद बहुत सारे लोगों ने उत्साहित होकर पक्षी खरीद लाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने उत्साहित होकर कछुआ खरीद लाया होगा, सिर्फ सारस के और आरिफ के बीच में दोस्ती को देखकर। उसका जिम्मेदार कौन है? उन प्राणियों के जीवन की तबाही का जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए ऐसे कड़े निर्णय वन विभाग को करने पड़ते हैं, ताकि जो पब्लिक ओपिनियन बड़े मुश्किलों से कई दशक लगे हैं जिनको क्रिएट होने में, कि वन्य जीवों को हमें अपने बंधक नहीं बनाना है, वो पब्लिक ओपिनियन दोबारा ना बिगड़ जाए, दोबारा लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का दुरुपयोग करना ना शुरू कर दें। इसलिए ऐसा कड़ा निर्णय वन विभाग को करना पड़ा। वन विभाग के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बिल्कुल यहाँ पर उस पक्षी और आरिफ के बीच में जो रिश्ता था, दोनों को ठेस पहुँची है। ये दुखद बात है, लेकिन सभी वन्य जीव और असंख्य प्राणियों का जीवन भी इसके कारण दांव पर लग गया था, और उनको बचाना, उन सभी प्राणियों को बचाना, ये बड़ी जिम्मेदारी थी। हम आप तो सिर्फ उस सारस को देख रहे हैं, उस आरिफ को देख रहे हैं, लेकिन वन विभाग को सभी वन्य जीवों को देखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को देखना है, उसको स्थापित करने के बारे में समझना है, और उसके लिए ऐसे कड़े निर्णय करने पड़ते हैं। तो इस मामले में गलती प्रमुख रूप से आरिफ की ही है,
आरिफ और उस सारस के बीच में जो रिश्ता था उसको प्राइवेट रहने देना चाहिए था। बहुत सारे एनिमल रेस्क्यूअर्स, मैं भी एनिमल्स को रेस्क्यू करता हूँ, कई बार वन्य जीवों को भी रेस्क्यू करना पड़ता है। अब अगर मैं वन्य जीवों को पकड़ के और उनके साथ मैं मीडियाबाजी करूँ, मैं उनको पकड़ कर मीडिया के सामने मैं फुटेज दूँ, तो और लोग भी प्रेरित होंगे, उनको भी लगेगा कि वाह हम भी एक वन्य जीव को अपने साथ पकड़ते तो कितना अच्छा लगता, कितना मज़ा आता। तो ऐसा करना जो है वो गलत होता है। इसीलिए जो तमाम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स हैं वो वन्य जीवों को पकड़ते हैं, बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं और वापस उनके पर्यावास में छोड़ देते हैं। उनके साथ किसी तरह का वीडियो वायरल नहीं करते हैं, कोई ऐसा संदेश वो नहीं देना चाहते समाज को जिससे लोग वन्य जीवों के साथ गलत करें। क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं लोगों को जो समझना होता है लोग समझ लेते हैं। भले आपने उस सारस की मदद की और सारस ने उसके कारण आपको चुना, आपसे दोस्ती की, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि वाह हम भी एक सारस से दोस्ती कर सकते हैं, चलो हम भी एक सारस को पकड़ लाते हैं, चलो उससे भी ज़बरदस्ती दोस्ती करते हैं। अरे ये वन्य जीव जो है इनको इंसानों की दोस्ती नहीं चाहिए, इनको स्वतंत्रता चाहिए, उनका पर्यावास चाहिए। दोस्ती तब पैदा होती है जब भावनात्मक रूप से आप एक लंबे समय तक किसी की मदद करते हैं, दोनों के एक दूसरे को समझने में समय लगता है। लेकिन लोग इतना बड़ा जतन नहीं करने वाले, लोग शॉर्टकट में जाकर जानवरों को पकड़ कर लाएंगे या खरीद कर लाएंगे और उससे वन्यजीव अपराध बढ़ेगा। तो ये दूसरा पक्ष था वन विभाग का पक्ष, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को स्थापित करने का पक्ष। दोनों पक्ष आपने सुना समझा। कई बार कानून को अपना राज स्थापित करने के लिए कड़े फैसले करने पड़ते हैं जिसमें 1, 2, 4, 5, 10 लोगों का नुकसान होता है, लेकिन एक बड़े आबादी का, एक समाज का बड़ा फायदा होता है। कई बार सामने तो हमको कुछ रिश्ते टूटते हुए दिखते हैं, लेकिन एक विस्तृत रूप में, एक लंबे अंतराल में हमको एक कानून का राज स्थापित होता दिखता है। तो बिल्कुल वही यहाँ पर वन विभाग ने किया। तो वन विभाग के फैसले का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ और हमें इस प्रकरण से यह सीख भी लेनी चाहिए कि कोई भी घायल वन्य जीव दिखे, किसी मुश्किल में पड़ा कोई वन्य जीव दिखे, तो बिल्कुल हम उसकी मदद करें, लेकिन हम किसी तरह की मीडियाबाजी या स्टंटबाजी ना करें ताकि लोगों में गलत संदेश ना जाए। मैं खुद डरता हूँ जब कई बार वन्य जीवों को रेस्क्यू करना होता है तो मैं लोगों से कहता हूँ भाई इस वीडियो को वायरल मत करना, क्योंकि लोग फिर वरना प्रेरित होंगे ऐसे वन्य जीवों को पकड़ने के लिए। और आरिफ के ऊपर वन विभाग ने कोई मुकदमा नहीं किया है ऐसे मसले में, क्योंकि आरिफ का मोटिव जो था वो अच्छा था, वो था उस वन्य जीव को मचाने का। अगर आरिफ का मोटिव गलत होता तो ऐसे प्रकरण में वन विभाग जो है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरिफ के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर सकता था। लेकिन वन विभाग ये बात समझता था कि आरिफ ने कुछ गलत नहीं किया, हालांकि गलती उसने बाद में की जो उसकी मीडियाबाजी की, और उसमें सिर्फ आरिफ की गलती नहीं थी, आरिफ ने भी शुरुआत की उसकी, लेकिन फिर मीडिया ने, राजनेताओं ने उसमें हस्तक्षेप किया और गलतियां की। ऐसा एक प्रकरण और है। एक बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एक वन्य जीव संस्थान में गए, वहां पर एक वन अधिकारी ने उनको एक वन्य जीव दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी इसको हाथ में लीजिए बड़ा अच्छा लगेगा। उन्होंने तुरंत मना किया, उन्होंने कहा कि मैं एक वन्य जीव को पकड़ने के लिए अधिकृत नहीं हूं, यह अधिकार सिर्फ वन विभाग का है, और इसलिए अगर मैं इस वन्य जीव को पकड़ता हूं और मीडिया ने उस फोटो को वायरल किया तो आगे समय में जो लोग हैं वो उस वन्य जीवों को जबरदस्ती घर में पालना शुरू कर देंगे, बंधक बनाना शुरू कर देंगे, और इससे वन्य जीवों का नुकसान होगा, इसलिए मैं इस वन्य जीव को हाथ नहीं लगा सकता। वही चीज यहां पर भी घटित हुई है। वन्य जीवों की मदद हमें करना चाहिए, पर हमें समाज में कोई ऐसा संदेश नहीं जाने देना चाहिए जिससे लोग वन्य जीव अपराध करने के लिए प्रेरित हों। तो आशा है आप दोनों पक्षों को समझे होंगे और सिर्फ भावना से नहीं बल्कि एक दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय जरूर लेंगे। धन्यवाद।